वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूलाज ड्राइव किए थे, और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के जो फॉर्मूलाज हमारे आए थे दैट वाज ए इज इक्वल टू वी ओमेगा, है ना। एक फॉर्मूला हमारा ये आया था, फिर हमने ओमेगा की जगह वी अपॉन आर रख दिया था, तो यही रिलेशन हमारा बन गया था वी स्क्वायर अपॉन आर। फिर हमने वी की जगह ओमेगा आर रखा और सॉल्व किया, तो हमारा रिलेशन आ गया ओमेगा स्क्वायर आर। सीन क्लियर है? आगे को परेशानी? दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर? ये फॉर्मूला तब लगते हैं जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करता है। गॉट इट एवरीवन? इस टाइप का मोशन होगा तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्री सेंटर, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। कोई भी पूछे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ होती है तो बोलना सेंटर की तरफ। कहाँ की तरफ होती है? हाँ, सेंटर की तरफ, है ना। इसके बाद एक्सक्यूज मी, इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, डिफाइन सेंट्रिपिटल फोर्स। क्या? हाँ, सेंट्रिपिटल फोर्स। सेंट्रिपिटल फोर्स की अगर हम बात करें तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। सेंट्रिपिटल फोर्स की अगर बात करें तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमता है, फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट है जैसे मैंने डोरी वोरी से बांध रखा है, मैं इसे ऐसे घुमा रहा हूँ, राइट गाइस, तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे घूम भी रहा है, सही बोल रहा हूँ। अगर मैं अपना हाथ छोड़ दूँ, यहाँ से हाथ छोड़ दूँ अपना, तो क्या ये ऐसा घूमता रहेगा? नहीं रहेगा ना, ऐसा घूमता नहीं रहेगा, है ना। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे अभी जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को घुमा रहा था, ये डोरी है, डोरी से ये मान लो पत्थर बना हुआ है और इसे मैंने इस हिस्से को पकड़ा और इसे ऐसे घुमा रहा हूँ लाइक दिस, राइट। तो जब ये ऐसे घूम रहा है तो क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट जो घूम रहा है, इस ऑब्जेक्ट पे अंदर की तरफ कहीं ना कहीं एक फोर्स लग रहा है और इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स। क्लियर? ये फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, इसके सेंटर की तरफ लग रहा है, इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स। यानी मेरा हाथ जो है वो कहीं ना कहीं इस ऑब्जेक्ट पे अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से ये रुका हुआ है, क्योंकि मैं अगर अपने हाथ से फोर्स लगाना बंद कर दूंगा तो ये सीधा इस डायरेक्शन में निकल लेगा। यस और नो? तो कहीं ना कहीं इस पे अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। इसी तरीके से ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ आ जाएगा तो सेंट्रिपिटल फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ, सेंटर की तरफ। ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा तो सेंट्रिपिटल फोर्स कहाँ लगेगा? इधर की तरफ। यानी सेंट्रिपिटल फोर्स की डायरेक्शन और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है। क्लियर? बात समझ में आ रही है? हमने बचपन में सुना था फोर्स इज इक्वल टू, पढ़ा है बचपन में, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। समझ जाओगे आप लोग? एक्सेलरेशन को शॉर्ट में लिख दिया मैंने, सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रिपिटल फोर्स को एफ से डिनोट कर दिया, मास को एम से, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन को ए से। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन को ए से डिनोट कर रहे हो, और आगे अगर मैं चाहूं तो ए की जगह वी ओमेगा भी लिख सकता हूं, तो इसे मास ए की जगह वी ओमेगा लिख दिया। अगला आप बोलो, मास ए की जगह वी स्क्वायर अपॉन आर। बोलो भैया। फिर मास ए की जगह और बनाऊ, कौन तो बना दे तू है, कईयों के तो कौन कौन कह रहे हो, जो कौन कह रहे हो, बना दो, कौन कह, बना दो, सही कही, बन जाएंगे, बन जाएंगे। पूछो ऐसे कैसे बन जाएंगे, ऐसे ही बन जाएंगे। ये मेन मेन है, ज्यादा उम्मीद नहीं है मुझे आपसे, लेकिन ये सब समझ में आया कैसे आए? आज के बाद कभी भी अगर आपसे पूछूं कि सेंट्रिपिटल फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होती है, तो से ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, या सेंटर की तरफ होती है। क्लियर है? दूसरी बात, आज के बाद कभी भी सेंट्रिपिटल, वैसे तो ये सारे फॉर्मूले सेंट्रिपिटल फोर्स के हैं, लेकिन अगर आज के बाद कभी भी पूछूं सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला तो आप तुरंत बोलना एम वी स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर? आओ कैसे हैं, ये तो सब समझ में आ रही है ना। क्लियर? आज के बाद कभी भी पूछूं काय लल्ला सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला, तो लल्ला कहाँ कहेंगे? हाँ, ऐसा नहीं है कि ये नहीं बोल सकता, ये नहीं बोल सकता, या ये नहीं बोल सकता, बिल्कुल बोल सकता हूं, पर ये यूज में आपको बहुत आएगा इसलिए बोल रहा हूं। क्लियर है?
तो सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सेंट्रीपेटल फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है, हाँ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के हमेशा सेंटर की तरफ होती है। और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ होती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर है, जहाँ फोर्स की डायरेक्शन वहीं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड, अच्छी बात है। लिसन एवरीवन, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए सबसे जरूरी चीज है सेंट्रीपेटल फोर्स। अगर सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट कभी सर्कुलर मोशन में घूम नहीं पाएगा। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है, विदाउट सेंट्रीपेटल फोर्स सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल। मैं इसे ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे घुमा रहा हूं, तो इस ऑब्जेक्ट पे सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, वो फोर्स कौन दे रहा है, मैं दे रहा हूं, मेरा हाथ इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है अंदर की तरफ, जिसकी वजह से ये लगातार घूम पा रहा है। यस और नो? तो यहां पर इसे घूमने के लिए जो सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए वो मेरा हाथ दे रहा है, अच्छी बात है। अगर इतनी बात समझ में आई तो मुझे एक बात बताओ, मैंने सुना है कि ये जो सन है ना, सन, सन के चारों तरफ अर्थ घूमती है लाइक दिस, तो अर्थ भी तो सर्कुलर मोशन में घूम रही है, इसे भी तो घूमने के लिए सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए, क्योंकि विदाउट सेंट्रिपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल। अगर यहां सर्कुलर मोशन हो रहा है तो इसका मतलब सेंट्रिपिटल फोर्स तो लग रहा होगा। अब जैसे हवाल जी ऑब्जेक्ट घूम रहे हो तो जाए तो सेंट्रिपिटल फोर्स में हाथ दे रहा हो, तो मैं हाथ जाओ ऑब्जेक्ट पे कहूं ना कहूं अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा हो तो, और वही फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा था, जहां मैं तो को रस्सी बस्सी ना ने ऐसा है कि सन और अर्थ के बीच में वो रस्सी सी बंधी हो ताते है ना। हाँ, तो सन जो है वो अर्थ पे लगातार ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, और ये फोर्स सेंटर की तरफ काम कर रहा है सर्कुलर ट्रैक के, इस वजह से ये यहां पर काय का काम करेगा, सेंट्रिपिटल फोर्स का। कोई पूछे कि अर्थ को सन के चारों तरफ घूमने के लिए जो सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए वो काय से मिल रहा है, तो आप बोलना ग्रेविटेशनल फोर्स से मिल रहा है। जो बोला पल्ले पड़ा, आप लोगों ने केमिस्ट्री में, आपको आपके केमिस्ट्री वाले सर ने पढ़ाया होगा, एक चैप्टर पढ़ा होगा आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा ना, तो आप सब जानते हो कि ये एटम है, कौन है, हाँ एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, सो दिस इज द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये ऐसे ऑर्बिट है, ऑर्बिट में कौन चक्कर लगाता है, कोई माइकल आल जो मुझे बता दे इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, कोई बताएगा, हाँ न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉनों पे कोई चार्ज होता नहीं है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, इसलिए न्यूक्लियस पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, तो जे आए हैं चेगो। अब ये जो फोर्स लग रहा है ये भी तो सर्कुलर ट्रैक के सेंटर की तरफ लग रहा है, तो यही फोर्स यहाँ पर काय का काम करेगा, सेंट्रिपिटल फोर्स का। कोई पूछे इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए जो सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए वो फोर्स कौन दे रहा है, न्यूक्लियस दे रहा है, इस पे चार्ज है, इस पे चार्ज है, फोर्स न्यूक्लियस दे रहा है, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। बोलो भैया, जैसे मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जो फोर्स लगता है उसे मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, ऐसे ही दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमने के लिए जो सेंट्रिपिटल फोर्स मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से या न्यूक्लियस से मिल रहा है। बात समझ में आ रही है, सीन क्लियर है, पक्का? किसी ने पूछ लिया तो बता दोगे? किसी ने पूछा सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रिपिटल फोर्स, क्लियर? या किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए उसके सेंटर की तरफ एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रिपिटल फोर्स। विदाउट सेंट्रिपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल। जितनी रामायण बोली आपको समझ तो नहीं आई ना, कर लेंगे इतना, इतना पढ़ लो अच्छे से, फिर आगे की बात करूंगा। आगे बढ़ते हैं, तो उम्मीद करता हूं ये सबका हो गया, सेंट्रिपिटल फोर्स हम लोग समझ गए, इसके बाद न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल के बाद एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स, सबको क्लियर है, पढ़ लिए सभी ने। अब हम न्यूमेरिकल पे आते हैं। न्यूमेरिकल पे आने से पहले एक बात आपसे और करना चाहूँगा, यहाँ तक सबको सारी कहना क्लियर है, अभी बातों बातों में हम काम की बात करना भूल गए, ये हो गए। इसके बाद मैंने बोला था कि इससे और फॉर्मूले बन सकते हैं, तो
तो हम फालतू की बातों में लग गए, काम की बात भूल गए। इससे बहुत सारे फॉर्मूलाज बन सकते हैं। ये आपकी स्मार्टनेस से आप बनाते कैसे हो? आप याद करो ना यार, आपको पता नहीं है क्या? ओमेगा बराबर थीटा पॉन टी, डी थीटा पॉन डी टी, टू पाई एफ पॉन टी, टू पाई एफ वी अपॉन आर। अब आप बताओ, ओमेगा की जगह टू पाई अपॉन टी भी तो रख सकता हूँ इस फॉर्मूला में, ओमेगा की जगह टू पाई अपॉन टी भी तो रख सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इनमें ओमेगा की जगह टू पाई एफ भी तो रख सकता हूँ। तो ऐसे आप अलग अलग बदल बदल के बहुत सारे सैकड़ों फॉर्मूले बन जाएंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? सीन क्लियर है? तो एक ही फॉर्मूले से हम काफ़ी सारे फॉर्मूलाज बना सकते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रोको, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ एक बनाता हूँ, एफ इज इक्वल टू एम वी, ओमेगा की जगह टू पाई अपॉन टी चिपका दिया, तो ये भी अपने आप में एक फॉर्मूला बन गया। आप सबन ने थोड़ी याद करके चिपट जाएंगे, ऐसे तो पकड़ा जाएंगे अपन। नहीं, यही मेरी बात समझ में? बस कन्वर्ट करना आना चाहिए एक से दूसरे में, राइट? क्लियर है? अब बताओ फ्रीक्वेंसी के टर्म में चाहिए मुझे, तो मैं इसे लिख दूंगा एम वी, ओमेगा की जगह टू पाई है। बोलो भैया इसको बदल दो, इसको बदल दो, सबको बदल सकते हो। इसको बदलता हूँ एम, ओमेगा की जगह मैंने टू पाई अपॉन टी रखा, तो देखो पहले रख लो, नहीं तो फैल जाओगे। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा फोर पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर, ये बन गया। और बढ़ाना है तो ओमेगा की जगह टू पाई एफ भी रख सकते हो। तो ये बहुत सारे बन सकते हैं, समझ पा रहे हैं? ऐसे हम तोड़ मरोड़ सकते हैं, इनसे खेलना आना चाहिए आपको। आपको मेरी भाषा समझ में आ रही है? तो एक ही फॉर्मूले से हम सैकड़ों फॉर्मूले बना सकते हैं। ज़्यादा उम्मीद नहीं है मुझे आपसे, लेकिन कम से कम इतने तो याद रखना अच्छे से, मतलब याद से मतलब प्रैक्टिस करके, एक से दूसरा कैसे आता है, दूसरे से तीसरा कैसे आता है, खड़ाखड़ होना चाहिए। समझ गए आप मेरी बात को? क्लियर है? अच्छी बात है। बाकी का तो क्या होता है, जब हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं तब हमें इन्हें कन्वर्ट करना आता है, उस प्रैक्टिस से हमको चीज़ें क्लियर होती हैं। क्लियर? क्योंकि सबको याद रखना पॉसिबल नहीं है, पगला जाएंगे। क्लियर है? इसीलिए मैंने बोला सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या याद रखोगे, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। बस ये आपके लिए टकाटक खेल करेगा, ओमेगा के सारे घोंट के पी जाना बस, ठीक है ना? बाकी का तो चिंता नहीं करो, आग लगा देंगे मोहल्ले में। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, उसमें मुझसे कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि 3 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड कर रहा है। जाको मतलब क्या है? एक सेकंड में 3 रिवॉल्यूशन कर रहा है, और एक सेकंड में जितने रिवॉल्यूशन होते हैं उसे बोलते क्या है? तो इसका मतलब पट्टे ने मुझे क्या दिया है? फ्रीक्वेंसी दी है। वो कह रहा है एक पार्टिकल 3 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड कर रहा है एक सर्कुलर पाथ पे, और सर्कुलर पाथ जो है ना, जो बन रहा है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में बन रहा है। आप मुझे बताओ, ये मैंने बता चुका हूं आपको, हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर पाथ बनना है तो ऑब्जेक्ट कैसे घूम रहा है, पहले तो ये बताओ। है ऐसे घूम रहा है? ऐसे घूम रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन यही तो होगा, तो ऐसे घूम रहा है। और एक सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है? जस्ट लाइक पंखा, पंखा हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही तो घूम रहा है। इसी तरीके से पंखे की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक पार्टिकल की बात कर रहा हूं। समझ गए ना मेरी बात को? तो 3 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड बोले तो फ्रीक्वेंसी दे दी, और वो जिस सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है ना, उस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस दे रहा है पट्टा 12 सेंटीमीटर। कोई मजाक नहीं होता, सर्कुलर ट्रैक का रेडियस कितना दे रहा है? तो यूं कह रहा हूं उस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी निकाल दूं और उसका सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन निकाल दूं। बता भैया एंगुलर वेलोसिटी फॉर्मूला है? जी हाँ, जी हाँ बहनों भाइयों, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। एफ कितना है? 3 2 6 पाई। नहीं, यही बात समझ में? आपका वैल्यू रख के बताऊं तब मल्टीप्लाई करूं, समझ गया ना? डायरेक्ट पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई तो कर लोगे, 6 × 24 4 × 2 6 × 6 = 8 6 × 3 = 18 भंटू सीन क्लियर है? 18.84 रेडियन पर सेकंड। यार मेरे को सब समझ में आ गया यार, ये रेडियन पर सेकंड कैसे है? ये जिना पल्ले कर रही भाई साहब, समझ गए ना कैसे है? नहीं पाई पाई तो ठीक है, ओमेगा 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 ही तो निकाल रहा है, ओमेगा बराबर ये भी तो पढ़ा था अपन ने। अरे थीटा पॉन टी, थीटा एंगल है, एंगल की यूनिट रेडियन, टाइम की यूनिट सेकंड। समझ में ही नहीं है, ठीक है ये समझ गया ना? तो रेडियन पर सेकंड कैसे लिखा, बात समझ में आई? और सुनो, अब मोते वो का चाह रहा है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। अब सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन निकालनी है भैया, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? अब सुनो सुनो, गुग्गी फंस गई, सही गुग्गी फंसी है ना? मैंने बोला था ना फॉर्मूलाज का यूज प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस से। अब सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन पूछ रहा है, अब सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन को कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? मिले तो बड़ी दांत दे रही है, ठीक है? हाँ, अब ये तो तुमने देख ले हाँ कौन सा सेट है रहा है, हाँ ओमेगा स्क्वायर आर सेट है रहा है, राइट? सही बोल रहा हूँ ना?
लेकिन यूजुअली हमको नहीं क्लिक करेगा एकदम से, घुग्गी फंस जाएगी। तो मैंने तुम्हें एक टिप दी है, सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv2/r, ये सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। देखो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू, तो ये क्या चीज है, एक्सेलरेशन। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हुआ, v2/r। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हुआ, जो बोल रहा हूं पल्ले पड़ रहा है, अच्छी बात है। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का कोई एक फॉर्मूला पटक लो जो आपको ठीक लगे, तो जाइए पटक ले। सेंट्रिपिटल फोर्स का हमें याद रहता है mv2/r, तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का v2/r। अब हम जयते शहीद होंगे, ठीक है। अब हमें अपने मतलब की चीज कैसे ढूंढनी है, कैसे हमें अपना मनवांछित फल प्राप्त करना है, तो वो हम लोग देखेंगे। भैया आप बताओ, रेडियस है आपके पास, तो रेडियस हमारे पास है, ठीक है। वेलोसिटी है, नहीं है ना, वेलोसिटी हमारे पास नहीं है, तो हमको वेलोसिटी हटानी पड़ेगी। अच्छा, वेलोसिटी की जगह लाना क्या पड़ेगा, हाँ, ओमेगा लाना पड़ेगा, क्योंकि ओमेगा ये मैं निकाल चुका हूं, या फ्रीक्वेंसी दी है तो फ्रीक्वेंसी से ओमेगा आता है, क्योंकि ओमेगा बराबर हमें भी रेटेड रहे हैं 2πf। बोले भैया, तो मेरे को यहाँ क्या लाना पड़ेगा, ओमेगा लाना पड़ेगा और वेलोसिटी, हाँ, यानी ओमेगा लाना पड़ेगा और वेलोसिटी हटाना पड़ेगा, यही तो करना है हमको। कर लो ना भाई, कर लो, मुझे तो डायरेक्ट नहीं आते, मैं चाहूँ तो तुरंत लगा सकता हूँ, लेकिन हमको आपके हिसाब से समझना है, समझ गए। तो आ जा भैया आर, अब मुझे मालूम है ओमेगा और वी के बीच में क्या संबंध होता है, आप बताओ, ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है जिसमें ओमेगा और वी दोनों आते हो, तो ओमेगा बराबर वी अपॉन आर, जी तो मेरा टोटल है। तो भैया ओमेगा लाना है और वी हटाना है, वी हटाना है तो ऐसा तो हटना ना कि वी मिटा दूं, क्लियर, वी हटाना है तो वी की जगह कुछ ना कुछ वैल्यू रखनी पड़ेगी, निकाल लो वी की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो वी बराबर कितना आ गया हमारा, ओमेगा, वी की जगह ओमेगा आर रखूंगा और स्क्वायर करूंगा तो आर से स्क्वायर कट गया, ए बराबर आ गया हमारा ओमेगा स्क्वायर, नहीं यही बात समझ, ये वही फॉर्मूला आ गया, पहले आपने देख के बताया था लेकिन अब आपकी जरूरत के हिसाब से आ गया, नहीं यही मेरी बात समझ, सीन क्लियर है, अब का चिपका दो, को भाई बहन ऐसा होगा ताई जी ओमेगा दिखो ही नहीं होगा कि निकल गया है कि ना निकलो, तो वो इसको भी तोड़ सकता है, ओमेगा की जगह क्या रख देगा, 2πf, नहीं यही बात समझ में, सीन क्लियर है, वो डायरेक्ट ओमेगा की जगह क्या रख देगा, 2πf। तो ये फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी और रेडियस के टर्म में आ जाएगा, नहीं यही मेरी बात, तुमको जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, पता उन्होंने कहा समझ में आ रहा हूँ, ओमेगा हो गया 18.84। एक मिनट रुको, तुमको एक चीज और बतानी है, वैसे तो ये तो समझ ही गए हो गए, यहाँ पर ओमेगा की जगह 18.84 का स्क्वायर कर दूंगा और रेडियस की वैल्यू रख दूंगा, आंसर निकाल दूंगा, ये तो एक तरीका है ही है, कुछ और भी बताना चाहता हूँ यहाँ पर आपको, देख लो उसको अच्छे से, सब लोग देख लेना पहले, इधर है ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा की वैल्यू 6π भी तो आई है, 6π स्क्वायर इनटू आर, स्टेप समझ में आ रहे हैं सभी को, यहाँ कुछ हटके कहना चाहता हूँ इसलिए बता रहा हूँ, 6 का स्क्वायर 36, पाई स्क्वायर, रेडियस हमारा कितना है 12, अब तो सॉल्व वॉल्व कर लोगे, मुझे मालूम है पाई की जगह 3.14 रख लोगे, आंसर निकाल लोगे, निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे, बोलो आंसर कितना आ रहा है, 4. सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, 4.3 × 10³ सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं यहां पर एक बात आपसे कहना चाहता हूं, क्या कहना चाहता हूं ये सुन लो, जैसे मैंने यहां सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन निकाला है, आप यहां पर ये टर्म देख रहे हो, पाई का स्क्वायर आ रहा है, पाई का स्क्वायर आ रहा है, वैसे तो तरीका कुछ मैंने नहीं, तोप नहीं चलाई है, सारा काम वही करना है जैसे आपने किया, ये समझ में तो आ गया करना कैसे है, लेंथी तरीका तो आपको समझ में आ गया, पाई की जगह कितना रख दोगे 3.14 और उसका स्क्वायर कर कर आके सॉल्व कर दोगे। अब आप ये सोचो 3.14 और 3.14 को स्क्वायर करेंगे तो थोड़ा सीधा काम है या टेढ़ा काम है, टेढ़ा काम है, कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाएगी, यस और नो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बच्चे डायरेक्ट देखते से ही उड़ा देते हैं, पाई स्क्वायर की वैल्यू दिमाग में उतार लेना, अगर भविष्य में कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो पाई स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होता है 10, क्लियर, आप देखो ना पाई की वैल्यू कितनी होती है,
3.14 कर लो स्क्वायर, 3 को स्क्वायर तो 9 तो यही है, 0.14 का स्क्वायर करोगे तो ये तकरीबन 0.96 कुछ आएगा, यानी कितना हो गया, समझ रहे हैं ना, तो अप्रोक्सीमेटली 10 हो गया, क्योंकि 9.96 अप्रोक्सीमेटली 10, समझ पा रहे हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बच्चे यूजुअली पाई स्क्वायर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 रख देते हैं। कहानी समझ में आ रही है, ये लिख लेना कहीं भी, आपको हेल्प करेगा बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो। आगे बढ़ते हैं, सबका हो गया होगा। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, वो कह रहा है एक बॉडी है जिसका मास 4 किलोग्राम है, कितना है, और उस 4 किलोग्राम मास की बॉडी को मैं घुमा रहा हूं, इस ये जो बॉडी है इस बॉडी का मास कितना है 4 किलोग्राम, और मैं इसे घुमा रहा हूं, एक सर्कुलर ट्रैक पे घुमा रहा हूं, और ऐसे सर्कुलर ट्रैक पे घुमा रहा हूं जिसका डायमीटर 8 मीटर है, डायमीटर 8 मीटर है तो रेडियस 4 मीटर, समझ जाओगे ना ये, और घुमा कैसे रहा है, हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे घुमा रहा है, ऐसे घुमा रहा है या ऐसे घुमा रहा है, ऐसे घुमा रहा है हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे, राइट। तो कह रहा है अगर इसकी स्पीड 600 मीटर पर मिनट, स्पीड कितनी दे रहा है 600 मीटर पर मिनट, एक मिनट में कितने सेकंड, तो मिनट की जगह 60 सेकंड लिख दूं, जीरो से जीरो अलवे आ जाएगी, 6 × 10 = 60 कितनी आ गई स्पीड, अरे 10, अरे यार 10 मीटर पर सेकंड, यस और नो। तो कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रिपिटल फोर्स, बताओ भैया सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन वी कितना है 10, 10 का स्क्वायर 100 कर दूं सीधा, रेडियस कितनी है 4 से 100 25, तो एक्सेलरेशन आ गया 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोले भैया काव्या को परेशानी, आगे वो मुझसे कह रहा है पट्टा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के बाद सेंट्रिपिटल फोर्स, क्या फॉर्मूला लगा दो सेंट्रिपिटल फोर्स का, देखो अब ये तो तुम भी समझ गए, एम वी स्क्वायर अपॉन आर लगा दो, ए वी स्क्वायर अपॉन आर ही तो है, आप एम वी स्क्वायर अपॉन आर से भी करोगे तो भी वही आएगा, कायते करो चाहे जिससे कर लो बात वही है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, देखो तुम हाल लपक गए क्योंकि तुम्हें सेंट्रिपिटल फोर्स को डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, तो सबन ने एम वी स्क्वायर अपॉन आर ही बोली, मैंने अप्रोच थोड़ी सी और चेंज कर दी, दो अंते आंसर सेम ही आएंगे, समझ रहे हो, मास कितने गए कहाँ है 0.4, एक्सेलरेशन कितना है ये निकाल चुके हैं 2500, फोर्स निकाला है तो यूनिट न्यूटन, नोट इट डाउन। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी का हो गया होगा। इसके बाद हमारे को अगला क्वेश्चन दे रहा है और उस क्वेश्चन में मुझसे बोल रहा है देयर इज अ पैबल, पैबल बोले तो स्टोन कंकड़, और वो जो कंकड़ है ना उसे डोरी के एक सिरे से बांध दिया गया है और उस कंकड़ का मास दे रहा है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम के एक पैबल को मैंने एक डोरी से बांध दिया, डोरी की जो लंबाई है वो है 50 सेंटीमीटर, आप इधर देखिएगा गौर से, ये डोरी की लंबाई है 50 सेंटीमीटर और यहां से ककरा बना हुआ है पैबल जिसका मास है 100 ग्राम, एंड इट इज वर्लिंग, वर्लिंग वर्ल, वर्ल माने घूमना, वो टीवी पे ऐड देखो वर्लपूल वर्लपूल सुना है, वर्लपूल क्या आता है फ्रेज आता है, वर्लपूल का ऐड देखा है, वर्लपूल का सिंबल क्या है, इसका मतलब क्या है, उनका मतलब ये हमारा फ्रिज इतने धांसू है कि बाह में ऐसे जो ठंडी हवाएं घूमबे करते हैं, वर्ल का मतलब ही होता है घूमना, क्लियर, वर्लपूल वर्लपूल। अब जब पूल का मतलब क्या है, स्विमिंग पूल वाला पूल नहीं, हवाओं के घूमने का पूल, समझ गो मेरे अंधे, गलती है अंधे, शट अप। तो वो कह रहा है एक 100 ग्राम का पत्थर है जो 50 सेंटीमीटर की डोरी से बंधा हुआ है और उसे ऐसे घुमाया जा रहा है, और घुमा जो रहे हैं ना 3 सेकंड में 10 रिवॉल्यूशन चला रहा है, 3 सेकंड में 10 चक्कर लगा रहा है, तो कह रहा है उसकी एंगुलर वेलोसिटी बता दूं, यानी घूमने वाली वेलोसिटी बता दूं, दूसरा उसकी लीनियर वेलोसिटी बता दूं, तीसरा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन बता दूं, चौथा टेंशन बता दूं, टेंशन टेंशन काय में लगते हैं डोरी में, डोरियां तंती हैं तो टेंशन फोर्स लगते हैं, बताया था नहीं बताया था,
बता दो, ये डोरी है, डोरी के इस हिस्से को बाड़ा पत्थर को घुमाया तो डोरी इस पे कहीं ना कहीं फोर्स लगाएगी, कहां की तरफ, अंदर की तरफ, और यही जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, टेंशन फोर्स। ये टेंशन फोर्स कुछ और नहीं है, सेंट्रिपिटल फोर्स है। बात समझ में आ रही सभी को, चमका दो अब क्या है। अरे यार थोड़ा समय लगेगा, इधर गौर से देखना आप, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा। है मास कितना है, 100 ग्राम। कौन से सिस्टम में है ये, है ये भी CGS में, तो इनको हम लोग क्या में कर लेते हैं, MKS में। तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, तो 100 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए किलो का मल्टीप्लाई और किलो का डिवाइड। बोलो भैया, 100 को 10 का स्क्वायर लिख दूं, किलो कितना होता है, 1000, 10 की पावर 3, डे का 1 किलो, सब याद करा चुका हूं पहले ही, किलो 1000 होता है यानी 10 की पावर 3, तो इस किलो की जगह 10 की पावर 3 लिखूंगा और उसे ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, -3, तो m बराबर 3 आ जाएगी, बेस सेम होती है तो पावर एड हो जाती है, तो 2 - 3 - 1, मास आ गया, MKS में कन्वर्ट हो गया। लंबाई, भैया इसकी ये जो लंबाई है ये काय का काम करेगी, रेडियस का, तो इसको बराबर r भी लिख सकता हूं, 50 सेंटीमीटर, सेटी सेटी, हेलो डेसी सेंटी मिली माइक्रो, याद है ना, अभी आप कहो जब नर्रा में देखा चुनी होगा, जब सेंटी पूछी तब तो उन्होंने नहीं बताई, डेसी सेंटी, 10^-1, 10^-2, क्लियर, सेंटी, नहीं तो फिर देसी तरीका 100 को डिवाइड कर लो, सेंटीमीटर को मीटर ऐसे ही तो पढ़ा होगा मैं, सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे 100 का भाग देते हैं, 100 बोले तो 10^2, 10^2 ऊपर ले जाऊंगा, -2 नहीं, बस एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो चलो निकालते हैं। अच्छा एक बात और बताओ, इसने 3 सेकंड में 10 रिवॉल्यूशन बोले हैं, तो 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन हो गए, 10/3, और 1 सेकंड में जितने रिवॉल्यूशन होते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो यानी ये हमें क्या पता चल गया, फ्रीक्वेंसी पता चल गई 10/3 हर्ट्ज, जो मैं बोल रहा हूँ आपको बल्ले पड़ रहा है। चलो हो जाओ शुरू भैया, सबसे पहले क्या निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा बराबर 2πf, एफ कितना है हमारा, 10/3 × 10/3, सही जा रहा हूँ मैं, सॉल्व कर लेना आप जो भी आ रहा है आपका, कितना आंसर आ रहा है बोले, पहला कितना रेडियन पर सेकंड, 20.1 मिनट, कोई नहीं बोलेगा, आप बोलो, तुमने तो आंसर ही चेंज कर दिया, पहला आंसर क्या है, 20.9, चलो 20.9 रेडियन पर सेकंड, क्लियर है, ये हमारी कौन आ गई, एंगुलर वेलोसिटी। अब उसने मुझसे लीनियर वेलोसिटी पूछा है, चलेगा कोई दिक्कत नहीं, चलेगा 20.2, मैंने डेसिमल किया था 1 डिजिट तक लिख दिया, आप 2 डिजिट तक बोल रहे हैं, ठीक है। अब मुझसे पूछ रहा है सेंट्रिपिटल लीनियर वेलोसिटी पूछ रहा है, तो ओमेगा बराबर क्या पढ़ा था बेटा अपन ने, वी अपॉन आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी बराबर ओमेगा, ओमेगा आपका ये आ चुका है 20.93, रेडियस कितना है, 50 × 10^-2, अब तो कर लेंगे इसे, बोले वेलोसिटी कितना मीटर पर सेकेंड, 10.465 मीटर पर सेकेंड, समझ में आई बात सभी को, क्लियर है। अगला मुझसे पूछ रहा है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, क्या फॉर्मूला लगाऊं भैया बताओ, v² / r, हाँ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है, फोर्स नहीं है, v² / r, क्या ओमेगा स्क्वायर आर लगा सकता था, वो भी लगा सकता था क्योंकि ओमेगा ये आ चुका है हमारा और रेडियस भी, चाहे जो सा लगा तो क्लियर है, मैंने v² / r आ रही है, v² / r, v कितना है हमारे पास, 10.465 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस कितनी है, 50 × 10^-2, बोले कितना आंसर आ रहा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, 219.03, सीन क्लियर है सभी को, मेन में यहां पर आपको ये सब कैलकुलेशन वैलकुलेशन नहीं सिखा रहा हूं, ये फॉर्मूला कहां कौन सा लग रहा है, सीन क्लियर है सभी को, बाकी वैल्यू रख के कैलकुलेशन तो कर लोगे ना। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन में टेंशन फोर्स पूछ रहा है, टेंशन टेंशन क्या है, फोर्स ही तो है ये, टेंशन सेंट्रिपिटल फोर्स का ही काम कर रहा है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, आप चाहो तो mv² / r से भी वही आंसर आएगा, राइट। मास कितना है हमारे पास, 100 ग्राम, ग्राम को बदल दिया था आपने, 10^-1, एक्सेलरेशन सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आप निकाल चुके हो, 219.03, तो 21.9 आ रहा होगा इसका, तो 21.9 न्यूटन, नोट इट डाउन,
मैं घाई तो नहीं कर रहा हूं ना, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलो ठीक है, तो फिर इतना अच्छे से कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।